नमस्कार दोस्तों, यूनिक एग्जाम स्पेसिस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा ये सेशन जो अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के कन्फ्यूजन है, उसी के मद्देनज़र हम लोग उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये कन्फ्यूजन क्रिएट क्यों हुआ, क्या कारण था। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा वो 17 मार्च को प्रस्तावित थी। 17 मार्च 2024 को ये परीक्षा होने वाली थी दोस्तों, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि उसके थोड़ा सा पहले 11 फरवरी को आरओ की परीक्षा थी, आरओ की, उसका पेपर लीक हुआ उस एग्ज़ाम का, और उसको लेकर के परीक्षार्थियों ने बहुत एक आंदोलन क्रिएट किया, जिसकी वजह से जिसका प्रभाव इस पीसीएस की परीक्षा पे भी पड़ा और आयोग को इस परीक्षा को 17 मार्च से आगे बढ़ाना पड़ा। उन्होंने एक नोटिफिकेशन आयोग के माध्यम से निकाला गया और उन्होंने कहा कि अब ये परीक्षा जुलाई माह में वो करवाएंगे। लेकिन दोस्तों, जैसा आप जान रहे हैं कि अभी मई स्टार्ट होने वाला है, ऑलमोस्ट अप्रैल ख़त्म हो गया है, लेकिन ना आयोग ने कोई रिवाइज्ड कैलेंडर दिया है अभी तक, और ना ही उन्होंने कोई एक फिक्स डेट दी है जिससे ये समझ में आए कि हाँ जुलाई में एग्जाम करवा लेंगे। ऐसी स्थिति, कन्फ्यूजन क्रिएट होना बहुत लाजमी है परीक्षार्थियों में, अभ्यर्थियों में इस बात को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन है कि एग्जाम कब होगी, कब कब एग्जाम होगा, कब एग्जाम नहीं होगा। दोस्तों, जो खबरें निकल करके आ रही हैं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से और अनवेरीफाइड सोर्सेस के माध्यम से, वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये परीक्षा जो 17 मार्च को होनी थी, अब ये परीक्षा 17 मार्च की जगह आयोग ने कहा कि ये अब जुलाई में होगी। लेकिन अब जो नए सिरे से खबरें निकल के आ रही हैं दोस्तों, उससे ये लग रहा है कि ये परीक्षा अक्टूबर या नवंबर के मंथ में करवाई जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली ये परीक्षा अक्टूबर माह तक जाएगी। ऐसी स्थिति में एक इतना लंबा समय बिना किसी परीक्षा के व्यतीत करना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन दोस्तों, ये आयोग का काम है कि परीक्षा कब करवाएंगे, कब नहीं करवाएंगे। हालांकि आयोग को इस विषय पर बहुत ध्यान देना चाहिए था आज के समय में, जब इतने सघन संचार के माध्यम उपस्थित है, तो उनको लगातार कम से कम अभ्यर्थियों के ओपिनियन लेनी चाहिए, उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों में भी इस बात को लेकर के ट्रस्ट बिल्डअप हो। और ख़ास करके एक ऐसे समय में जब परीक्षाएँ लगातार लीक हो रही हैं और परीक्षाओं की सेफ्टी को लेकर के भी, पेपर की सेफ्टी को लेकर के एक बड़ा प्रश्न है, ऐसे में आयोग का संवाद न करना किसी भी प्लेटफॉर्म से, ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, आयोग का काम आयोग कर सकता है, हम लोग उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। हम सिर्फ उतना कर सकते हैं जितना हमारे हाथ में, और हमारे हाथ में ये है, जैसे कहा भी जाता है दोस्तों कि हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। आज का टाइम ठीक है, परीक्षाएं पीछे जाती हैं, बहुत दिक्कत होती है, हम भी उस प्रोसेस में, हम भी समझते हैं उस फ्रस्ट्रेशन को। लेकिन दोस्तों, उसका एक सुखद पहलू ये है कि हमें एक लंबा टाइम भी मिल जाता है तैयारी करने के लिए। अभी हमारा पूरा फोकस ये होना चाहिए कि हम प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी कैसे कर लें, ताकि जब भी अक्टूबर नवंबर में ये परीक्षा हो, तो हम उसके मेंस तक के लिए भी अभी से तैयार रहें। केवल हम इसी पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ सकते हैं, चल सकते हैं। बाकी हमारे पास, हमारे हाथ पे कोई दूसरी चीज़ नहीं कि आयोग क्या करेगा, परीक्षा कब होगी कब नहीं होगी। जब भी परीक्षा हो, आप अपना माइंडसेट इस तरीके से बना के रखिए कि आप उस परीक्षा के लिए एकदम से तैयार रहें, उसके जितने भी चरण हैं उस परीक्षा के, उसके लिए तैयार रहें। कन्फ्यूजन क्यों है दोस्तों? जैसा हम लोगों ने बात किया कि एक फिक्स डेट अभी तक आ नहीं पाई है उसकी, इस वजह से परीक्षार्थियों में इस बात को लेकर के कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ कि जब, ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई डेट ही नहीं है, तो फिर ऐसे लाइफ टाइम तो तैयारी करता नहीं रहेगा आदमी, कि परीक्षा की डेट नहीं है और आप तैयारी करते रहें। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति होने का यही कारण है दोस्तों। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि परीक्षार्थी क्या है, बहुत निर्णायक समय है। निर्णायक समय इस रूप में भी है दोस्तों कि इतना क्रूशियल समय आप लोगों का जाता है। अभी अगर परीक्षा हो गई होती तो आप सब मेंस के मोड में हो रहे होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया है। तो अब परीक्षार्थी क्या करें? हमारे हाथ में सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि हमें पॉजिटिवली बहुत मोटिवेटेड रहना है इस चीज़ को लेकर के, कि जब भी परीक्षा होगी, हम उसके लिए अपने आप को तैयार करें। प्रीलिम्स के तैयार के लिए तैयार करें, मेंस के लिए तैयार करें, इंटरव्यू के लिए तैयार करें। और अगर ये परीक्षा अक्टूबर में जाती है दोस्तों, जैसा कि बहुत संभावना है, ऑलमोस्ट आप इसको डन मान के चलिए कि ये परीक्षा अब अक्टूबर से पहले नहीं हो पाएगी, तो आज हमारे पास मई है, पूरा मई है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने का समय है दोस्तों। और 6 महीने इस परीक्षा के लिए पर्याप्त हैं कि इसके प्रीलिम्स के साथ साथ आप मुख्य परीक्षा की भी तैयारी कर लें। इवन अगर 6 महीना इतना पर्याप्त समय है कि अगर आप पहली बार भी
इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इजली इसके मेंस को भी टैकल कर सकते हैं, प्रीलिम्स को भी टैकल कर सकते हैं। अगर आप पुराने विद्यार्थी हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो आपको केवल इतना चाहिए कि आप पूरी तरीके से अपना कॉन्सेंट्रेशन मुख्य परीक्षा पे करें, और खास करके जो दो नए पेपर ऐड हुए हैं पेपर 5 और पेपर 6 उस पे करें। और जब अंतिम में दो महीने बचेगा तो 2 महीने पुराने विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सफिशियंट है, लेकिन नए विद्यार्थी भी इस इतना समय अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो इतना पर्याप्त समय है आपके पास में कि आप इजली इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अब इसमें हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ रहे हैं दोस्तों, तो इसमें हमारे संस्थान की भूमिका क्या है और आपकी तैयारी में हम आपकी तैयारी को क्या डायमेंशन दे सकते हैं, कोई नया आयाम दे सकते हैं और किस रूप में दे सकते हैं, क्या कोई हमारा जो प्लेटफॉर्म है YouTube इसके माध्यम से, कुछ डिस्कशन के माध्यम से, PYQs के माध्यम से, सिलेबस डिस्कशन के माध्यम से, और खास करके जो नए दोनों पैटर्न आयोग ने जोड़े हैं, आप देखिए कि पेपर 5 और पेपर 6 को लेकर के पिछली बार 2023 में पहली बार ये सिलेबस जोड़ा गया, और अब अभी उसकी फाइनल मार्कशीट आई है। आप देखिए एक ही परीक्षा में पेपर 5 और पेपर 6 में मार्क्स को लेकर के इतना कन्फ्यूजन है दोस्तों कि इस पर यकीन करना मुश्किल है कि ऑलमोस्ट सोर्सेस सिमिलर ही है मार्केट में जो है, लेकिन उन्हीं सिमिलर सोर्सेस से 50 से लेकर के 120 नंबर तक का फ्लक्चुएशन है। इस बार के जो टॉपर हैं उनके तकरीबन 120 मार्क्स हैं और कुछ बच्चों के मार्क्स 50 हैं। यही स्थिति 50-55 नंबर से लेकर के 120-130 नंबर तक की स्थिति पेपर 6 में भी है। तो इस चीज को हम इतने बड़े गैप को हम कैसे ब्रिज कर पाए, उसको कैसे हम भर पाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उस पूरे सिलेबस को समझें, एक कॉन्क्रीट मटेरियल बना के दें। यहाँ पे भी इस प्लेटफॉर्म पे भी यूट्यूब के माध्यम से हम आपके पास एक लेक्चर सीरीज की श्रृंखला के माध्यम से जुड़ेंगे, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि पेपर 5 और पेपर 6 को लेकर के आपकी सही रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या आपके आंसर्स में ऐसा कॉन्क्रीट पॉइंट होना चाहिए जो प्रश्न के डिमांड को पूरी करता हो। दोस्तों इतना ही नहीं, हमारी संस्थान की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण क्यों होगी, इसके लिए मैं आपको कुछ ठोस चीज भी दिखाना चाहूंगा, ठोस हमारे रिजल्ट्स रहे हैं। दोस्तों आप ये देखें कि इस बार उत्तर यूपीएससी सीएससी 2023 में यूपीएससी लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है उसमें ये हमारे रिजल्ट्स हैं, AIR 544, AIR 521, AIR 399, और ये 2022 का है, 109 रैंक थी हमारी वहां पे, 101। और केवल यूपीएससी में नहीं दोस्तों, अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि 2022 में जो UPPCS की मुख्य परीक्षा हुई थी उस पर भी हमारे संस्थान से रिजल्ट है। तो हमने जो काम किया है, जिस तरीके से हमने चीज़ों को स्ट्रेटजाइज किया है, सोर्सेस पे हमने काम किया है, उसके माध्यम से हम ये बहुत कॉन्फिडेंटली आपको कह पा रहे हैं कि आपके चयन में हमारे संस्थान की जो भूमिका होगी बहुत ही निर्णायक होगी। दोस्तों अब एक सवाल ये भी आता है कि इस समय प्रीलिम्स की तैयारी करें, मेंस की तैयारी करें, दोनों की तैयारी एक साथ करें, ये बहुत सारे अभ्यर्थियों के बीच में कन्फ्यूजन बना हुआ है। हम लोगों से जितने भी लोग आते हैं हमारे संस्थान में मिलते हैं, क्वेरीज करते हैं, जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म से मिलते हैं, टेलीग्राम वगैरह पे, व्हाट्सएप वगैरह पे, सबका एक ही रहता है कि इस समय क्या पढ़ा जाए, मेंस पढ़ा जाए, प्रीलिम्स पढ़ा जाए, केवल मेंस पढ़ा जाए, केवल प्रीलिम्स पढ़ा जाए। तो दोस्तों सबसे अच्छा अभी आपके लिए ये रहने वाला है कि आप केवल प्रीलिम्स पर फोकस बिल्कुल मत होइए। हालांकि दोस्तों ये एक सेपरेट टॉपिक पे मैं वीडियो लूंगा, एक पूरा का पूरा हमारा टॉपिक रहेगा इस पे कि किस तरीके से आप प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ तैयारी करें, लेकिन अभी के लिए आप मैं थोड़ा सा बहुत ही संक्षेप में आपसे अगर बात करूं तो सिर्फ बात इतनी हो पाएगी दोस्तों कि प्रीलिम्स और मेंस, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इस हालांकि दोनों चीजें कोई ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स के लिए आपको अलग से कोई चीज़ पढ़नी है, मेंस के लिए अलग से चीज पढ़नी है। आप देखेंगे कि जो 70-80% मेंस है वही प्रीलिम्स का सिलेबस है। सपोज कीजिए मेंस का जो टॉपिक है वो फर्स्ट पेपर में क्या है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, क्या हिस्ट्री और ज्योग्राफी से प्रीलिम्स में सवाल नहीं आते? एक मेंस में आप देखेंगे तो उसका एप्लीकेशन आपसे पूछता है, और आप तभी उन क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे जब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है। सपोज कीजिए कि अगर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पे कोई सवाल आ रहा है, या जियोमॉर्फोलॉजी पे कैसे कोई सवाल आ रहा है, वोल्केनिक एक्टिविटी पे कोई सवाल आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ इतना पूछ लेगा कि वोल्केनो कैसे फॉर्म होते हैं, और यहाँ ये पूछ लेगा कि चार वोल्केनोस पूछ लेगा, विसुवियस पूछ लेगा, कौन सा डोरमेंट है, कौन सा एक्टिव है, कौन सा एक्सटिंक्ट है,
या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन सा पाया जाता है, या कोई मान लीजिए एक पहाड़ दे दिया वहाँ पे पूछ लिया यू नो कोई साउथ अमेरिका का कि यहाँ पे कौन सा वोल्केनो पाया जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों ये है कि प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस कोई ऐसा नहीं है कि दे आर पोल्स अपार्ट, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, वो दोनों ही बहुत इंटीग्रेटेड है। इसलिए इसकी समझ हमें रखनी होगी कि हम किस तरीके से प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ टैकल करें। इसी तरीके से दोस्तों आप देखिए पेपर टू, पेपर टू का सबसे मेन कंपोजिशन है वो पॉलिटी, और पेपर मेंस और प्रीलिम्स में भी कम से कम 15-20 सवाल पॉलिटी पे आते हैं। पेपर थ्री में आप देखें, पेपर थ्री का सबसे मेन कंपोजिशन है इकोनॉमी का, इन्वायरमेंट और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और ये सारे ही वो जगह हैं जहां से आपके लिए प्रश्न फॉर्म होते हैं आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। तो इसलिए ये बिल्कुल आप इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं कि प्रिलिम्स की तैयारी कोई एक चीज़ है, मेंस की तैयारी कोई एक चीज़ है, नहीं, वो हमेशा उसके बीच एक बहुत बहुत सॉलिड ब्रिज है, और इस चीज़ को आपको समझ के ही तैयारी करनी होगी। तो हम खैर इस पे दोस्तों एक पूरा डिटेल वीडियो हम लोग अलग से बनाएंगे, उसमें पूरा सिलेबस भी डिकोड करेंगे, ये भी समझेंगे कि किस तरीके से प्रिलिम्स का सिलेबस है, मेंस का सिलेबस है, और अभी तक जो PYQs पूछे गए हैं मेंस में उसको भी डिटेल डिस्कस करेंगे हम लोग। इसके साथ साथ जो PYQs प्रिलिम्स के हैं उसके भी डिस्कस करेंगे, उनके सोर्सेस क्या हो सकते हैं वो डिस्कस करेंगे, हमारे प्लेटफॉर्म से आपको कितनी मदद मिल सकती है हम ये भी उस वीडियो में देखेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों जैसा हमने आपको कहा कि अभी हमारा रिजल्ट आया है लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का 2023 का, उसमें हमारे ये कुछ चयनित छात्र हैं। इन्हीं पर जो हम लोगों ने काम किया है दोस्तों, हमारी संस्थान ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस रिजल्ट को लाने में काम किया है, बहुत परिश्रम किया है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम लोगों ने अपने इस पीसीएस, हालांकि पीसीएस का प्लेटफॉर्म हमारा कोई नया नहीं है, हमने 2022 में ही रिजल्ट दिए हैं। जैसे हमने आपको बताया अभी, एक ये आप स्लाइड देखें तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे 2022 में ही हमारा रिजल्ट, लेकिन 23 की लोक सेवा आयोग की परीक्षा पे हम लोग, हमारी पूरी टीम ने इतना फोकस कर दिया कि और दूसरी चीज़ ये भी थी कि अभी ये 17 मार्च को इस बार इन्होंने रख दिया था लोक सेवा आयोग ने, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हम लोग शिथिल हो गए थे इस प्लेटफॉर्म को लेकर के, लेकिन अब हम लोगों ने पुनः इसको शुरू किया है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि जिस तरीके का रिजल्ट हमारा दोस्तों 2022 की परीक्षा में रहा, उसी रिजल्ट की पुनरावृत्ति हम लोग 2024 की परीक्षा में भी करें, और आपके चयन में हमारी भूमिका निर्णायक हो, अंतिम हो। इतना ही नहीं दोस्तों, इनफैक्ट इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आरओ की जो परीक्षा हुई है 2021 की जो फाइनल परीक्षा थी, उसमें भी हम लोगों ने गाइडेंस प्रोवाइड करवाया था। हमारे चैनल पे भी कुछ इंटरव्यूज पड़े हैं, आप देख सकते हैं उनको, कुछ परीक्षार्थी हमारे यहाँ से आरओ की परीक्षा में भी सेटल हुए थे। आरओ की परीक्षा को भी लेकर के बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बहुत कन्फ्यूजन है उनमें, प्रीलिम्स की तैयारी करें, मेंस की तैयारी करें, उसके ऊपर भी हम लोग एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि वो परीक्षा कब तक होगी और उसके लिए क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी बातें थी आज का हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन, हमने इसीलिए बनाया कि सबसे पहले हम इस विषय पे जो कन्फ्यूजन चारों तरफ क्रिएट है, खास करके प्रीलिम्स परीक्षा कब होगी, और अगर वो डिले हो रही है तो फिर आप फ्रस्ट्रेट ना हो, आप किस तरीके से अपने टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन कर पाएं, और अगर आप बिल्कुल नए विद्यार्थी हैं तो किस तरीके से आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ करके अपनी परीक्षा को नया आयाम दे सकते हैं। तो दोस्तों फिर आप जुड़िए हम लोगों के प्लेटफॉर्म से, हमारे साथ जुड़िए, आप हमारे इस चैनल यूनी एग्जाम स्पीसीज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में साझा करिए, और नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग मिलेंगे दोस्तों तो हम सबसे पहले इस जो हमारा टॉपिक है कैसे करें प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी, इस पे हम पूरा वीडियो बनाएंगे और पूरा सिलेबस भी देखेंगे हम लोग, पूरे सिलेबस को डिकोड करेंगे दोस्तों। और हमारी पूरी प्रतिबद्धता आपके साथ है कि आप हमारे साथ जुड़ें तो आपको इतना कंफर्टेबल और इतना ठोस महसूस हो कि आपको कहीं भी किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत ना पड़े। तो ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।